नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। और आज न्यूज रूम चैट में हम लोग ये जो बनारस में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है उस पे बातचीत करेंगे। बीजेपी दिल्ली में और बनारस में सत्याग्रह कर रही है, उसके पीछे जो दलील दी जा रही है कि भाई ईसी जो है उनके साथ सही ढंग से व्यवहार नहीं कर रही है, पार्टीजन मामला चल रहा है। चंदन, क्या लग रहा है? ये वही लोग कल तक जो आरोप लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ड्रामेबाजी कर रहे हैं, भाजपा जो है अरविंद केजरीवाल की जो ड्रामेबाजी है उससे भी लो लेवल पे पहुंच गई है। आपको इजाजत नहीं मिली थी, आपको फिर बाद में इजाजत दिया गया, फिर आप कह रहे कि नहीं हमें नहीं चाहिए। भाई, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर इस तरह से आप करारा हमला नहीं कर सकते हैं। जिसका आरोप खुद आप कांग्रेस पे लगा रहे थे वही काम तो आप कर रहे हैं। अभी तक जो कर रहे थे वो केजरीवाल सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे थे अपनी राजनीति की स्टार्टिंग से ही। भाई ये बताइए, ये सही सवाल है कि भाई क्या अब तक ड्रामेबाजी कर रहे थे? जो लोग आरोप लगा रहे थे उनको जवाब दिया है मैंने। जो चंदन जी जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छा, मतलब अच्छा बोलते हैं। इन्हें कहिए कि किस तरीके से जो ड्रामा बीजेपी ने किया है तो वो जरा मतलब तथ्यों के साथ बताएं किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम है। आपको तथ्य बिल्कुल घटनाक्रम बताया कि पहले देखिए 5 दिन पहले अरुण जेटली या भाजपा वगैरह ने आवेदन दिया था कि हमें यहाँ पे चाहिए आपको, ठीक है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा की वजह से या तमाम जो वजह है उसकी वजह से परमिशन नहीं दी, अंतिम समय में आपने जिद किया। सवाल ये है कि सुरक्षा के मद्देनजर अगर इजाजत नहीं मिली तो ये सुरक्षा के जो अपील जो होता है या फिर जो चेतावनी देता है वो आईबी या खुफिया एजेंसी, क्या वो मतलब जिला प्रशासन या जिलाधिकारी? वो बात नहीं है, अगर सुरक्षा का कारण है तो आप चुनाव आयोग ने, मुझे एक चीज मैं कह रहा हूँ, प्रशासन का काम है सुरक्षा देना, क्या हो रहा है? सुरक्षा देना तो प्रशासन का काम है, उनको सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए था। लेकिन जो अभी हो रहा है वहाँ पे बनारस में, जो बीजेपी ने प्रदर्शन वगैरह का जो प्रोग्राम वहाँ पे रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए है और कुछ नहीं है। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए है, पॉलिटिकल माइलेज भी ले रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पे पिछले 3 चुनावों से सवाल ही उठ रहे हैं। जब नवीन चावला की मुख्य चुनाव आयोग के रूप में नियुक्ति हुई थी पिछले चुनाव में तो भी विवाद हुआ था कि नवीन चावला बायस हैं, कांग्रेस का फेवर करते हैं। फिर जब संपत साहब जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनकी भी नियुक्ति जब वो पावर सेक्रेटरी थे उसके बाद जब उनको चुनाव आयुक्त बनाया गया था फिर भी विवाद हुआ था कि वो कांग्रेस के हमेशा पक्ष में काम करते रहे हैं और आज वो कर रहे हैं, तो वो दिख रहा है उनके रोल से कि कहीं ना कहीं वो बायसनेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ उनकी है और शायद इसीलिए उनको इनलाइन किया गया था कि आगे के चुनाव में फायदा मिले। और आज जो हो रहा है बनारस में कंस्टिट्यूएंसी में अगर उम्मीदवार को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही है तो ये चुनाव आयोग का फेलियर है। सब जगह चुनाव हो गए, हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है और इतने सारे फोर्स हैं उसको लगा नहीं पा रहे हैं, डिप्लॉय करके सुरक्षा नहीं मुहैया करवा पा रहे हैं और नहीं करवा पा रहे हैं रैली, तो ये फेलियर चुनाव आयोग का है और प्रशासन का है। चुनाव आयोग का फेलियर है। देखिए, चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने किस सिक्योरिटी के बेस पे कहा था कि वहाँ रैली ना करें, ये है कमजोरी, इलेक्शन कमीशन कमजोरी है। लेकिन उसके रद्द अमल में जो अभी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है ये उससे ज्यादा बुरा है, उससे ज्यादा बुरा है। मनीष जी, पहले चुनाव आयोग पर आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि चुनाव आयोग कोई स्टेप नहीं लेता, कोई कदम नहीं उठाता, इतनी सारी शिकायतें आती हैं और कुछ नहीं करता। सबसे ज्यादा टाइम मिला है बीजेपी को और आप पार्टी को वहां पर कैंपेन करने का। अब अगर इलेक्शन कमीशन उसकी परमिशन नहीं देता तो उसके लिए प्रोटेस्ट करने का तरीका बहुत गलत है। प्रोटेस्ट करने का तरीका गलत है, लेकिन क्या इसी का रोल जो है वो जायज है? कैंडिडेट को रैली नहीं करने देना, सिक्योरिटी के नाम पे आरती के लिए नहीं जाने देना, 150 इंटेलेक्चुअल्स को बनारस में आने से रोकना, ये इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों कर रही है? इस पूरी बहस में हम एक पॉइंट को शायद मिस कर रहे हैं, वो ये है कि विनिया बाग में जहां मोदी जी आने वाले थे उसको, उस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन बनारस की दूसरी जगह पर अल्टरनेटिव स्थान उनको प्रदान किया गया है। तो मैं समझता हूं कि पूरे बनारस पर रोक लगाने वाली बात पर बहस नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्टरनेटिव जगह दी गई है सिक्योरिटी की बुनियाद पर। तो अल्टरनेटिव जगह में 2000 लोग आ पाते हैं, वो जो जगह है उसमें जो है सिर्फ 2000 लोग ही नहीं
के लिए भी जगह नहीं है, तो क्या 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 आप चाहते हैं कि भाई मोदी की रैली? हाँ, ये तो बात गलत है ना कि जैसा आप जो कुछ चाहें सब कुछ वैसा ही हो, ये तो बड़ी गलत थिंकिंग है ना। अगर कंट्री के लिए, सिक्योरिटी के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इलेक्शन कमीशन ने स्टेप लिया तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बात देखिए, आप ऑन एंड एवरेज जितनी रैलियां मोदी ने 400 से ज्यादा रैलियां की, सब में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग रहे हैं। ऑन एंड एवरेज भी टोटल करेंगे तो भी वहां पे औसतन से भी आधा कर लीजिए, उससे भी ज्यादा लोग आएंगे तो वो क्राउड तब हैंडल नहीं हो पाएगा। आप अल्टरनेट दे रहे हो, क्रैश हो जाए, कोई ऐसा मामला खड़ा हो जिसको लेके चुनाव में भगदड़ मच जाए और वहां माहौल बिगड़े, तो ऐसा चाहते हैं क्या? जगह इतनी सेंसिटिव जगह है, अगर वहां पर ये मुझे बताइए, केजरीवाल के लिए सेंसिटिव जगह नहीं थी? केजरीवाल के लिए क्या, केजरीवाल को भी इलेक्शन कमीशन अगर वो इस वक्त वही दिया है, वही पे दिया है। मेरी बात सुनिए, केजरीवाल ने वहां पे रैली की, बीएसपी ने रैली, बाकी सभी पार्टी रैली वहां पे कर रही है, तो सेंसिटिव नहीं है? मोदी करे तो सेंसिटिव है। मैं आपको बताना चाहूंगा बेनिया बाकी की सच्चाई, जो सेकुलर वोटों वाले जो सेकुलर जो है पार्टियां हैं उनके वोट वहां पे हैं। वहां पे बेनिया बाग का जो पार्क है तीन तरफ से मुसलमानों से घिरा हुआ, अगर मोदी वहां पे जाते हैं मुसलमानों के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में बोलते हैं, तो वोट से 2-3 दिन पहले वोटिंग डेट से तो कुछ वोट क्या मालूम आधा से ज्यादा मोदी की तरफ आ जाए। इस डर से सपा और कांग्रेस जो है चुनाव उनके इशारे पे चुनाव आयोग जो है उनको बेनिया बाग का मैदान नहीं दे रहा, और सुरक्षा का कारण एक बहाना है और इसका फायदा, और ये विपक्षी विरोधियों का जो ये दाव हमेशा उल्टा पड़ जाता है। सोचा कि मोदी रैली ना करे, वो देख लीजिए आप, हजारों के संख्या में लाखों के संख्या में प्रदर्शन कर रहे, इससे जितने भी जहां भी चुनाव होने वाले इससे भाजपा को ही फायदा होगा। देखिए पहले ये देखिए बेनिया बाग से जो दूसरा स्टैंड है उसकी दूरी कितनी है, तो ऐसा क्या हो जाएगा 2-4 किलोमीटर की दूरी में अगर वो रैली करते हैं वहां कुछ घटना नहीं होगी, यहां होगी, तो ये प्रशासन और चुनाव आयोग की मिलीभगत है। प्रशासन और चुनाव आयोग की। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जब प्रचार का टाइम चल रहा है, चुनाव प्रचार का समय, तो मोदी रैली क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों उनके लिए सेंसिटिव है वो जगह? क्या मतलब इसके पीछे कुछ है कि उनको नहीं? ये बात धर्मेंद्र सही कह रहे हैं कि अगर वो वहां जाएंगे, वहां मुसलमान हैं, हो सकता है उनको वोट कटने का अपना, ये दोनों पार्टियों का ही ऐसा है कि भाई मुसलमान उनके वोटर हैं, अगर उनके भाषण से वो इम्प्रेस हो जाए तो उनको उस चीज को लेकर के प्रॉब्लम है, और लगातार झगड़ा सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों का चल रहा है। क्या लग रहा है ये क्यों हो रहा है सब? ये डिसीजन बहुत गलत है कि किसी कैंडिडेट को आप जगह नहीं देते हैं। लेकिन जो खबरें बाद में आई हैं वो ये थी कि बेनिया बाग का जो कैपेसिटी है उस मैदान का, वो 30-35 हज़ार का है मैक्सिमम। नहीं, वो 70 हज़ार के ऊपर का, 35 हज़ार, 70 हज़ार के ऊपर का है। और बीजेपी ने जो अपना आवेदन दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि 1 लाख लोग हम आएंगे। आमतौर पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो देता है वो अपनी संख्या कम बताता है कि हम 1 लाख आएंगे, 50 हज़ार आएंगे, 60 हज़ार आएंगे, वो होता है असल में उससे डबल या ट्रिपल होता है। प्रशासन को ये बात बिल्कुल इस बात की जानकारी रही होगी कि ये जब खुद 1 लाख दे रहे हैं तो हो सकता है 1.5 लाख-2 लाख भीड़ वहाँ पे आए, तो एक मैदान की कैपेसिटी को देखते हुए कुछ अनहोनी की आशंका से बचने के लिए इनको एक अल्टरनेटिव बनारस कैंट इलाके में एक मैदान दिया गया, कहा गया कि आप बनारस कैंट में कर लीजिए। वहाँ 2000 की है जहाँ पे वो जो डीएम साहब जो जिस मैदान की बात कर रहे हैं वहाँ 2000 से ज्यादा लोगों की कैपेसिटी नहीं है। ठीक, कैसी अनहोनी वहां पर हो जाएगी क्योंकि इसके पहले बहुत बड़ी रैली उन्होंने की थी? इसका जवाब तो प्रशासन देगा, मैं नहीं दे सकता ना कि कैसी अनहोनी, वहां बैठा मैं यहां बैठ के अनहोनी का आशंका नहीं जता सकता हूं। मैं प्रशासन का जो लॉजिक है मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात इसमें यह है कि हालांकि शाम तक रात तक ये खबर आई कि इनको गंगा आरती पूजन की अनुमति भी दे दी गई है, लेकिन कल शाम को जब अरुण जेटली साहब ने अमित शाह के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वहां इन्होंने क्लियर कर दिया कि अब हम ना आरती करेंगे ना कोई रैली करेंगे, अब हम धरना ही देंगे। तो ये एक सवाल उठता है इनकी मनसा पर भी, और पॉलिटिकली ये बिल्कुल एक पॉलिटिकली स्टेप है, मतलब स्टेप उठाया गया है कि इस बहाने कम से कम हम अपने वोटर में ये संदेश पहुंचाए कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें दबाया जा रहा है, अब खुलकर जो है तुम अगर इधर उधर छिटकना चाह रहे हो तो मत छिटको, अब हम हमारे पास आ जाओ। नाइंसाफी हो रही है सभी भाई, नाइंसाफी हो रही है, यही प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। हाँ, ये तो प्रोजेक्शन नहीं है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन के इसमें रूल बुक में साफ लिखा हुआ है कि हर एक कैंडिडेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, है ना। अगर
आम आदमी पार्टी या दूसरे कैंडिडेट्स को बनारस में एक जगह पे चुनाव प्रचार करने की इजाज़त दी गई थी तो बीजेपी को भी देना चाहिए था। और जहाँ तक रही बात की संदेश देने का, तो आज वो ज़माना नहीं है कि संदेश जो है एक किलोमीटर दो किलोमीटर से नहीं जाएगा। जब पूरी दुनिया से संदेश जो है चला रहा है टीवी के माध्यम से, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को थोड़ा सा है ना इसमें सतर्कता से काम लेना चाहिए था। इशू को इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया, आपने कुछ अभी तक नहीं फरमाया है। देखिए, चुनाव आयोग पे एक बहुत बड़ा आरोप ये है कि बोगस वोटिंग बहुत भारी मात्रा में पूरे देश में हो रही है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ, और मुझे बहुत सारे चौंकाने वाले फीडबैक मिले हैं कि गाँव देहात के इलाकों में जहाँ पर कि कम पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं, वो चूँकि जानते नहीं है ईवीएम मशीन के बारे में, तो वहाँ का जो ऑफिसर जो तैनात हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो जा रहे हैं ईवीएम मशीन तक और वो अपने हिसाब से उन बटनों को दबवा रहे हैं जिस पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं। उसी तरह से मुसलमानों की तरफ से ये बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि औरतें बुरका पहन करके जा रही हैं और वोट डाल रही हैं। बोगस वोटिंग बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है और चुनाव आयोग की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो इसको रोक नहीं पा रही है। और नरेंद्र मोदी जैसे मामले पर ये उनका फंडामेंटल राइट है और ये उनको देनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का ये फेल्योर है और ये उनका हक है, देना चाहिए था, पूरा इंतजाम करना चाहिए था, कैसे रोक सकते हैं वो। तो जहां पर चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, वहां वो तो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और इस तरह के मामले को तूल दे रहे हैं। चंदन भाई, दो बातें आ रही है कि भाई जब आपने दूसरों को दिया तो इनको क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, शफीक जी ने एक बात कही कि उनको भी देना चाहिए, फंडामेंटल राइट है, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि चुनाव आयोग का एक अपना विशेषाधिकार भी होता है। चुनाव और एक दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग ने 5 में से 4 जगहों पे आपको रैली करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन आपने क्या किया कि आपने खुद को एक पीड़ित पक्ष बता दिया कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, और उसके जगह जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जो चीजें जा रही थी उसको गोल बंद करने के लिए आपने ये सारा ड्रामा रचा। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि बनारस में सांप्रदायिक दंगे हुए थे बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, जो इलाका है वहां पे भी दंगे हुए थे, लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस के 24-25 वर्षों बाद उस बेनिया बाग के मैदान में आरएसएस की कई रैलियां हुई हैं, उसके कार्यक्रम हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम हुए हैं। तो उस समय जो नहीं एक मिनट राजनीतिक रैली और वो मतलब क्या रैली थी, आरएसएस की रैली हुई है, बीएचपी की रैली हुई है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज कि नक्सल प्रभावित इलाकों में, जो कि बनारस से भी ज़्यादा खतरनाक इलाका है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी की रैली होती है, वहाँ प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी के साथ रहता है, वहाँ कोई ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन आप बनारस में इस तरह की रोक लगा के, बेशक बीजेपी को एक बेहतरीन मौका आपने दिया है और बिल्कुल चुनाव आयोग आप कह रहे हैं विशेषाधिकार है, तो आप विशेषाधिकार से लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। लोकतंत्र की हत्या हो गई सर। अगर लेना होता संज्ञान भी, तो कल राहुल गांधी ईवीएम के पास खड़े थे, ऐसी पिक्चरें भी आई, तो उस तरीके कोई एक स्टेटमेंट चुनाव आयोग की तरफ से नहीं है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्यवाही करते, कोई नोटिस करते। जो कुल कल हुआ यहाँ पे अमेठी में, इस तरीके की बातें हुई, उसको किसी ने नहीं दिया हवा। जहां मोदी की बात परमिशन की आई, वहां पे कोई ना कोई अड़ंगा लग रहा है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का इंटरनल गठजोड़ है, ये इलेक्शन कमीशन बहुत गड़बड़ कर रहा है। नहीं, देखिए, मैं एक अभी बीच में ये बातें आई थी कि वहां पे इसे रोका गया था कि मुस्लिम वोट मोदी के हिस्से में ना आ जाए, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया है वो ठीक किया है। क्यों? कि अभी इलेक्शन आखिरी मरहले में चल रहा है। मोदी जो शुरू में जिस तरह से कन्विंस कर रहे थे इलेक्शन के लिए, वो थोड़ा अपना अंदाज बदल दिया, जैसे फैजाबाद में उन्होंने स्टेज के पीछे राम मंदिर का फोटो दे दिया था, या अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि मैं ओबीसी का हूं। तो वो इस तरह का जो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, तो वहां पर एक डर था, हो सकता वो हिंदू, ये आपके मन का डर है, ये आपके मन का डर है। मुझे एक चीज बताइए कि लालू यादव मुलायम सिंह यादव, वहीं पे तो बात कर रहा हूं मैं कि मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, मायावती हो, नीतीश कुमार, इनमें से कौन जाति की बात नहीं करता? करता है। फिर बाकी लोगों से डर नहीं लगता, मोदी से डर लग जाता है। इसलिए क्या बात है ये मुझे एक चीज बताइए। मैं दूसरी बात कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन बहुत गड़बड़ कर रहा है।
नहीं नहीं, ये बात आप गलत कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर रहा है। जब वो गड़बड़ करता है तब तो आप लोग कहते नहीं है। अब एक बार बार आप कह रहे हैं उसने FIR नहीं दर्ज की, उसने पकड़ा नहीं, राहुल के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं देख, आप ये कह देंगे कि गवर्नमेंट उनकी है, सेंट्रल, जैसे कल आपने अमित शाह के केस पे कह रहे मोदी के खिलाफ और चुनाव चिन्ह दिखाने पे FIR दर्ज कर दी गई, लेकिन एक व्यक्ति EVM के पास खड़ा होकर इन्वॉल्व करता है, ये पार्टीजन है। मनीष जी, ये आपकी कैसी पॉलिसी है कि जब आप कोई बात अमित शाह के लिए आ रही है तो आप यूं कह देते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है, उन्हीं की गवर्नमेंट है उन्हीं। लेकिन आप ये देखिए ना कितना सेंसिटिव जगह है, आप उस बात को क्यों नहीं देख रहे? अरे सेंसिटिव, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आप एक जो है, एक ने वो ये दिखाया कमल का फूल, वो भी 100 मीटर के दायरे के बाद आपने FIR करवा दिया, और एक आदमी EVM मशीन के पास जाकर के लोगों से बातचीत कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? आप कहते हैं BSP और सपा की वजह से इलेक्शन कमीशन है। आप एक बात बताइए, सपा और कांग्रेस, आप मुझे एक बात बताइए कि इलेक्शन कमीशन सपा और कांग्रेस की सुन रहा है? बिल्कुल क्यों नहीं सुन रहा है, ये चीज बताइए, इलेक्शन कमीशन ने राहुल के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों ना पार्टीजन कहा जाए? बिल्कुल कहा जाएगा पार्टीजन। मैं समझता हूं कि जब यहां अगर एक्शन ले रहा है तो वहां भी लेना चाहिए। मुझे एक चीज और बताइए, दूसरा एक चीज और सवाल उठता है कि जो तबरे साहब ने उठाई कि पूरा सोशल मीडिया फर्जी वोटिंग और इसके वीडियो से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। देखिए, बनारस में कोई सेंसिटिविटी नहीं है, तमाम पार्टियों के उम्मीदवार वहां हैं और कार्यकर्ता मौजूद हैं, पूरी दुनिया का मीडिया मौजूद है और वहां कुछ नहीं हो सकता। मैं ये गारंटी से कहता हूं कि वहां कोई दंगा उंगा नहीं हो सकता और सबको इजाजत मिलनी चाहिए। सबसे मजेदार बात यह है कि नरेंद्र मोदी के आने से वहां पे एक बड़ा एक जश्न बन गया है, तो ये उस त्यौहार को, ये जो हमारा लोकतांत्रिक पर्व है, इसको मदद करनी चाहिए थी चुनाव आयोग को कि उसको उसी तरह से चलने दिया जाए। इस तरह के मुद्दे छेड़ने की क्या बात है, या आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं कि हम नहीं दे सकते, वहां सेंसिटिव है? अरे भाई, कश्मीर में हुई, बारामूला में एक जगह बम फटा, वहां पे आपने 25,000 आर्मी के बंदे को भेज दिया, छोटा सा गांव है एक, तो क्या एक बेनिया बाग को नहीं संभाल सकते आप? सही बात है, सुरक्षा कारण तो बहाना, पहले इन्होंने कहा कि एक NGO के नाम पे बुक हो गया है, NGO का वहाँ का कार्यक्रम है, और फिर वहाँ पे जब इन लोगों ने, BJP के लोगों ने मांगा कि आप दिखाइए, तो बोलते हैं कि दिखाए, फिर बोलते हैं कि चार्जशीट जो पैसा वहाँ पे कुछ लिया जाता है उसका दिखाए, तो बोलते हैं नहीं उनको हमने फ्री अलाट कर दिया। तो ये बहाना नहीं है तो क्या है? आप चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी पे नहीं बोलता है, वहाँ पे कमल का फूल एक राहुल गांधी मिटवा देते, और वहाँ पे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कई स्कूलों के ऊपर कांग्रेस के झंडे लहरा रहे, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करता है चुनाव? भाई पार्टीजन तो लग रहा है, पार्टीजन है ही। अभी जैसे नवीन ने बताया, राहुल गांधी चले गए वोटिंग मशीन के पास, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं। मोदी जी वोट डालने के बाद बाहर आके मीडिया से बात करने के बाद जब वो दिखाते हैं तो वहाँ FIR लॉन्च हो जाता है, तो इससे आप क्या समझेंगे? इलेक्शन कमीशन बायस होकर कहीं ना कहीं काम कर रहा है क्या? भाई बिल्कुल बायस होकर काम कर रहा है। एक सबसे इंटरेस्टिंग बयान अरविंद केजरीवाल का भी आया है कि उन्होंने कहा कि गंगा आरती की इजाजत दे दी गई थी लेकिन फिर भी ये लोग धरने बैठ गए, ये दुखद है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जो मतलब चप्पल चोरी के लिए भी धरने बैठ जाते हैं, कुछ इस तरह का। भाई ये तो अरविंद केजरीवाल के साथ तो बड़ा बुरा हुआ, अरविंद केजरीवाल साहब तो TV से गायब ही हो गए, कैसे उनका तो मन ही नहीं लग रहा होगा? ना वो तो गायब होना ही था, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ दिल्ली में जिस तरह से वो ड्रामा करके जो है TV में छाए रहते थे, अब वही गुण जो है चंदन ने सही कहा, पकड़ा है कि वो काम जो है BJP करने उतर गई है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नदारद हो गए। वो ट्वीट किए जा रहे हैं लगातार, फिर भी TV वाले नहीं दिखा रहे हैं, ये क्या चक्कर है? नहीं अभी तो दिखाया TV वालों ने उनका ट्वीट, इसी में जो ट्वीट ही दिखा रहा है, लेकिन बयान वो कैंपेन वैम्पेन नहीं चल रहा। नहीं बिल्कुल यही होना था, हो भी रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है, मीडिया किसको दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, ये सब और क्यों दिखा रहा है मीडिया जो है, इसी के साथ साथ मीडिया भी पक्षपात। नहीं नहीं लेकिन हम लोग को दूसरी बात कर रहे थे कि ये इलेक्शन कमीशन के रोल को लेकर और अभी जो बनारस में हो रहा है इस चीज को लेकर। चलिए एक चीज में नवीन ने जो सवाल उठाया है राहुल गांधी को लेकर, मेरी जो जानकारी है इलेक्शन कमीशन और इसको लेकर, वो ये है कि कोई भी कैंडिडेट या कोई भी ऐसा आदमी जिसके पास इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी पास है, वो मतदान केंद्र के भीतर तक जा सकता है, वो देख सकता है। इसमें उल्लंघन तब माना जाएगा, एक सेकंड, इसमें उल्लंघन तब होगा। एक पॉइंट है जहां मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, क्लियर होना चाहिए
कि ये उल्लंघन तब होगा जब जहां पे मतदान कोई व्यक्ति दे रहा है और आप उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दो चीजें हैं, दो ये बिल्कुल सही है, इसमें दो चीजें हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये तो बड़ा आश्चर्य लगा कल रात में राजदीप सरदेसाई को देखते हुए कि वो फोटोग्राफ को दिखाकर संजय झा कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछ रहे थे कि व्हाट डू यू से अबाउट दिस फोटोग्राफ्स। ये आश्चर्यजनक इसलिए है कि ये तो सीधे जो कानून है उसका जो है उल्लंघन है। दो बातें हैं, उम्मीदवार बूथ पे जा सकता है, उम्मीदवार बूथ के अंदर जहां पे वोटिंग हो रहा है वहां नहीं जा सकता, उम्मीदवार पोलिंग बूथ के एरिया में घुस सकता है लेकिन किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता। वो देख सकता है कि भाई यहाँ पे कोई रिगिंग या कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, उसको ऑब्जर्व कर सकता है, अगर कोई परेशानी है तो वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनको वो कंप्लेन कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी की जो तस्वीरें जो आई हैं वो पोलिंग मशीन के पास जाकर के खड़े होकर के एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो वोट देने के लिए जा रहा है। दूसरी तस्वीर आई है कि वोटिंग चल रही है, उस कमरे में बैठे हुए हैं, वहां पर चार पांच लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करना अलाउड नहीं है। इसलिए जो है वो एक मसला जो ये बन रहा है वो बिल्कुल जो है वो पूरा का पूरा वो गैर कानूनी है। इसलिए ये कहना कि भाई इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कल जो है राहुल गांधी की तरफ से वो एक मिस्टेक जो है वो हुआ है, इसी को उस पर लेना चाहिए। लेकिन अब हम अगले सवाल पर उठते हैं कि ये जो ड्रामाबाजी हो रही है इसका बनारस पे क्या असर होगा। असर यही है कि देखिए आम आदमी पार्टी ने जो वोट बैंक खिसकाया है, क्योंकि अगर आप देखें भाजपा ने जो प्रचार प्रसार किया है तो सिर्फ बनारस के शहरी इलाकों पे है, गांव के दूर दराज इलाकों में जाए तो वहां पे लोग कह रहे हैं कि यहां तो हमारे पास लोग आ ही नहीं रहे हमारे पास। तो ये जो एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम लोग भी आपके साथ हैं, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, जो रणनीति अरविंद केजरीवाल ने अपनाया हुआ था उसको काटने की कोशिश किया। और एक बात और राहुल गांधी वाले पे जवाब दे देता हूं कि चुनाव आयोग ने आज 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया, तो हो सकता है कि उसमें जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब मिल सकते हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, जिला महानगर इकाई, जिला इकाई और तहसील स्तर की इकाई होती है और हर गांव और पंचायत लेवल पे उनके लोग होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से दिवा स्वप्न देख रहे हैं ये जो बोल रहे हैं। नहीं, मैं उम्मीदवार ही पहुंच रहे हैं। और आप उम्मीदवार की आप लोगों के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को देखें कि मीडिया पे क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उसी का नतीजा है कि वो जो है हर जगह पे जा रहे हैं, हर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पूरे देश में अलग अलग। ये अगर इस थ्योरी पे भी अगर जाएं हम कि भाई वो डोर टू डोर जा रहे हैं, तो एक उम्मीदवार को किसी भी कंस्टिट्यूंसी में, लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में डोर टू डोर कवर करने में उसको 3 महीने लगेंगे। इसलिए ये जो थ्योरी जो आप कह रहे हैं वो डोर टू डोर की थ्योरी भी जो है वो नहीं हो सकता। ये विधानसभा में तो पॉसिबल है, नहीं विधानसभा और गांव ही गांव का मैं बता रहा हूं कि आप कवर ही नहीं कर सकते 10-15% से ज्यादा। इनका जो कहना था या जो मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि पता नहीं वहाँ लोग क्या सोच रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के नहीं बता सकता कि गांव के लोग बनारस के लोग के अंदर की भावना क्या है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे लेकिन मैं अपनी भावना बताता हूँ एक मतदाता होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, कि मेरे यहाँ अगर चुनाव हो रहा है, मैं कहीं गाँव में रहता हूँ तो मैं ये जरूर देखूंगा कि कोई कैंडिडेट जो हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहा है वो मेरे यहाँ आता है या नहीं आता वोट मांगने। तो बनारस के लोग भी ये जरूर सोच रहे हैं बनारस शहर को छोड़ के जो गाँव में। तो ये अगर ये थ्योरी अगर लिया जाए तो मोदी तो कहीं नहीं जा पाएंगे। मोदी तो मोदी तो ऐसे में स्थिति उनकी खराब हो सकती है। इस सिलसिले में एक सवाल उठता है कि अभी जो धरना चल रहा था अरुण जेटली और अमित शाह का, वो धरना खत्म हो गया है जैसा कि समाचार में सुनने को मिल रहा है। मैं समझता हूं कि ये धरना तो रिटर्निंग अफसर को हटाने के सिलसिले में था, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई और उन्होंने धरना वापस ले लिया। आखिर इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका मतलब ये है कि देखिए इंदिरा तिवारी थी टीएमसी की और थोड़ा सा झड़प हुई है बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को। नहीं तो धरने की बात तो बीजेपी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसकी वजह से उसे वहां पे बड़ा नुकसान हो जाए। हो सकता है पार्टी के सीनियर लीडर्स ने यह सोचा हो
कि माहौल थोड़ा सा बिगड़ रहा है तो ये फैसला लिया हो, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। सर जो बोल रहे थे कि गांव गांव मोदी नहीं जा पा रहे, तो मैं आपको बता दूं सर, विधानसभा चुनाव नहीं है कि एक छोटा सा एरिया होता है कि जहां पे उम्मीदवार गांव डोर टू डोर चला जाए, और ये लोकसभा का चुनाव है जिसमें चुनाव आयोग एक महीने का समय देता है। एक महीने में ऐसा नहीं कि कैंडिडेट जो है डोर टू डोर जा पाए, उसके कार्यकर्ता उसके वहाँ पे स्थानीय नेता जाते हैं। और भाजपा की बात करें तो वहाँ पे बीहिप और आरएसएस उसका बैठ के जो है लफाजी कर रहे हैं। 1957 का इलेक्शन है, आप इतिहास है, इतिहास पढ़ सकते हैं। इसी तरह नेहरू जी भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे फूलपुर को लेकर, और राम मनोहर लोहिया ने जब गांव-गांव का दौरा करना शुरू किया तो कार्यकर्ताओं को कहना पड़ा कि नेहरू जी जल्दी आइए नहीं तो मामला खिसक सकता है। मजबूरी में नेहरू जी को जाकर गांव-गांव घूमना पड़ा। मैं मोदी का वकील नहीं हूँ कि मोदी के कॉन्फिडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि समय नहीं होता कि वो कैंडिडेट जा पाएगा डोर टू डोर। जाऊंगे, देखिए मोदी सर पूरे देश भर में उनको प्रचार करना है, उनके लिए एक मिनट सुन लीजिए सर भैया, पूरी तरीके से सिर्फ बनारस की सीट और अमेठी की सीट ही प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। पहली बात, बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, सिर्फ दो सीटें उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, उनको अपनी पार्टी के लिए अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक है, ठीक है ना। और अमेठी में कुमार विश्वास को उन्होंने खड़ा कर दिया, लेकिन ये लोग कहीं प्रचार के लिए नहीं गए। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं बनारस से अजय राय जी, उनको ये थोड़ा सा लगा तो उन्होंने सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा कि भाई कुछ और कार्यकर्ता भेजिए, कुछ पैसे भेजिए, इसलिए कि हम पिछड़ रहे हैं। तो ये बात सही कह रहे हैं, मोदी की तो हवा चल रही है बनारस में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं उसकी वजह से अजय राय को मजबूर होकर के ये चिट्ठी लिखनी पड़ी कांग्रेस दफ्तर को, सोनिया जी को। मतलब लड़ाई दूसरे स्थान की है? जी जी, लड़ाई दूसरे स्थान की है, लड़ाई दूसरे स्थान की है, लेकिन अरुण तिवारी जी की इस राय से मैं इत्तफाक नहीं करता कि ये प्रतिष्ठा की सीट नहीं है। बिल्कुल प्रतिष्ठा की सीट है, और पूरे राष्ट्र की निगाहें आपको उसी बनारस में उसी अमेठी में लगी हुई। सर आसिफ सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये के बनारस की सीट सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए लड़ी ही जा रही है, वो प्रतिष्ठा की लड़ाई। ये गलत बात कह रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सीट है, और ऐसी बात नहीं है कि मोदी के लिए ये सीट इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कहाँ कह रहे हैं, वो तो वही कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा की है, प्रतिष्ठा की सीट है, और इसकी हार्ट में वही बात कह, नहीं मैं आसिफ साहब की बात को कह रही हूँ कि ये गलत कह रहे हैं, वो प्रतिष्ठा की सीट है और उसके लिए मोदी कुछ भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक अजय राय का कांग्रेस का मामला है, ये लड़ाई जो है सीधी केजरीवाल और मोदी की लड़ाई थी, अजय राय कहीं नजर नहीं आ रहे थे, और अब आकर जब कांग्रेस को ये महसूस हो रहा है कि वहां पर वो पिछड़ रहे हैं, तो जैसा कि कमर साहब ने बताया कि उन्होंने चिट्ठी लिखी और ये कहा कार्यकर्ता भेजिए, अब जाकर वहां पे कांग्रेस की थोड़ी लहर नजर आई है, वो भी लास्ट मोमेंट पर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, उनको पूरे देश के लोग चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ आए। एक महीने में आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मोदी सबके देखिए बनारस में जो लड़ाई हो रही है अजय राय और केजरीवाल के बीच में हो रही है, नंबर टू पे कौन आएगा, मोदी तो निकल चुके हैं, तो इसका कोई मामला नहीं है मोदी वोट डालने जा रहे हैं। हाँ, मैम का जवाब देना चाहूंगा कि मैम आप कह रही थी कि उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, सारे के सारे आदमी वहाँ, सारे के सारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँच चुके हैं, चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन भाजपा के सारे ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग वही है। नहीं ये जो है ये अमेठी में लड़ाई हो रही थी तो कांग्रेस के सब लोग जो प्रमुख लोग जो थे वो अमेठी में थे, अभी जैसे दिल्ली में जो इतने बनारस में लड़ाई हो रही है तो बीजेपी के भी सारे लोग जो है बनारस में कैंप किए हुए हैं, वो सब लोग गए हुए। लेकिन हाँ अंतर ये है, अंतर ये है, आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी है, इसलिए उनके पास कार्यकर्ता जितने होंगे उतने ही जाएंगे, भारत अन्य की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ये मतलब कह देना कि मतलब बीजेपी मतलब वहाँ स्वीप कर रही है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, ये मेरे ख्याल से बहुत गलत होगा, क्योंकि ये अरविंद इफेक्ट है कि जो आज वहाँ पे दिख रहा है सड़कों पे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो निकले हैं ये अरविंद का इफेक्ट है, ये इसमें कोई मतलब नहीं, ये इसको आप मतलब झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ओवर कॉन्फिडेंस में पूरे रहते बीजेपी तो वहाँ पे इस तरह का धरना प्रदर्शन जो अरविंद केजरीवाल का खासा था वो बीजेपी नहीं करती। भाई एक मिनट, क्या इस पे आप एग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि देखिए अरविंद केजरीवाल का कोई इफेक्ट नहीं है उस सीट पे। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि वो चौथे या तीसरे स्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये उनकी उनकी अपनी लड़ाई है कि हम तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर हैं। अब इस संसार तो आपका आकलन है, देखिए
एक ये तो आकलन है। देखिए अरविंद इफेक्ट कैसा है, अरविंद इफेक्ट कैसे वो मैं बता देता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने वडोदरा सीट से भी चुनाव लड़ा है, मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस ने वो भी बहुत नौटंकीबाजी की उन्होंने, लेकिन उनको कितना मीडिया कवरेज मिला, मोदी को कितनी मेहनत करनी पड़ी वहां पे। लेकिन बनारस में अरविंद केजरीवाल की वजह से ही ये तामझाम जो भाजपा का दिख रहा है वो अरविंद इफेक्ट की ही वजह है। अरविंद इफेक्ट तो है इस चीज को आप, क्योंकि देखिए मुकाबला जो है कई कोणी है, वहां पे अजय राय भी है जो मूलभूत रूप से बनारस के ही है, भूमिहार वोट है वो है, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई थी उसका इम्पैक्ट जो था सब मिला के अरविंद वहाँ पहुँचे। ये है, अगर ऐसा नहीं होता तो वरुण जेटली वहाँ नहीं होते और धरना देने की बात नहीं होती। दूसरी बात जो शशि जी ने कहा था कि फूलपुर वाली बात जो कही थी, सर 1957 में भारत की जनसंख्या कितनी थी आपको मालूम है, और आज भारत की जनसंख्या कितनी है, कितना फर्क है, उतने लोगों तक पहुँच पाना अब मुझे लगता नहीं है प्रैक्टिकली संभव है। उसमें एक बात और मैं कह दूँ, वो 6 महीना से फूलपुर में कैंप कर रहे थे, वो ऐसा नहीं कि 10 दिन 15 दिन में जो है गाँव में आदमी जो है चला जाए। देखिए ये जो अभी बात आई कि अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं जो गांव के एरिया उसमें, और अरविंद मोदी नहीं जा पा रहे हैं इसलिए कि ये पूरे इंडिया में करे। लेकिन सवाल इससे वहां के वोटर को क्या लेना, वहां के वोटर तो ये चाहेंगे कि कैंडिडेट हमारा मोदी है तो वो भी डोर टू डोर आए, इससे वहां के वोटर ऐसा 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 इसलिए नहीं है। ये वैसे आर्गूमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन ये चंदन जो कह रहे हैं या शशि जो कह रहे हैं या राशि साहब जो कह रहे हैं, वसीम साहब जो कह रहे हैं, वो कोई उसका कोई माने मतलब नहीं है। वो क्यों वो इसलिए माने मतलब नहीं है क्योंकि जब कोई भी प्रधानमंत्री का दावेदार का कैंडिडेट खड़ा होता है, लोग उस उम्मीदवार को इसलिए वोट नहीं देंगे वो मेरे गांव में आए, लोग को ये लगता है और वो फख्र महसूस करते हैं कि वो अपने इलाके से जो है प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। मनीष जी, जैसा कि हमारे दोस्त ने कहा, मुझे एक बात बताइए, अगर वहां पर लड़ाई नहीं है, बीजेपी क्लीन स्वीप कर चुकी है, तो फिर ये सारा हंगामा, ये सारे आप ये क्यों कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप क्यों बात कर रहे हैं? आपका कहने का मकसद ये, बिना पोलिंग के एक कैंडिडेट जीत गया, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप यूं कह रहे हैं बिना पोलिंग के कैंडिडेट जीत गए और बाकी दो की लड़ाई है? नहीं, वो दूसरा सवाल कर रहा है, वो एक आपने कहा कि वो अनडेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पूछ रहा है कि भाई दूसरा तरीका बताइए प्रोटेस्ट। नहीं, दूसरा तरीका ये क्या बात कही आप? तो अच्छा, ये आपका जुमला जो है, आपने कहा कि वो क्लीन स्वीप कर चुके हैं, लड़ाई दूसरों की है, आप एक मिनट, मतलब जैसे अरविंद केजरीवाल ने ये इल्जाम लगाया, मुझे लगता है कि उसमें दम है। अगर नरेंद्र मोदी को गंगा आरती ही करनी थी तो चुपचाप चले जाते, गंगा से आरती करके चले जाते, कोई उसमें मेरे ख्याल से चुनाव आयोग से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मोदी कैसे चले जाते, उनको सुरक्षा का इंतजाम, अगर कुछ घटना हो जाए तो सुरक्षा चाहिए। कैसे चले जाते, जैसे बिल्कुल मोदी जो हैं वो छोटे से बच्चे बिचारे, कैसे आप ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं यार? आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे, मतलब एक मिनट, आप सारी बहस कर रहे हैं कि मोदी को वहां पर परमिशन नहीं मिली, दूसरे साहब कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो तो जीत चुके हैं, अब उनको बाकी जो दो की लड़ाई है, आप मुझे एक बात बताइए, तो फिर पोलिंग की जरूरत क्या है, ये सारे हंगामे की जरूरत क्या है? पोलिंग चुनाव करा रहा है, जनता ने मोदी को वहां जिता दिया है। आखिर क्या अब ये जो पूरा जो हुआ इसका असर चुनाव में कुछ पड़ने वाला है या फिर ऐसे ही ये खत्म हो गया? देखिए इसका थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मतलब अनकैलकुलेटेड कोई स्टेप बीजेपी नहीं उठाना चाहेगी, मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। शॉर्ट में फायदा होगा, घाटा होगा, क्या होगा? जहां तक है मुझे लगता है नुकसान ही होगा। नुकसान होगा भाई, ये आज जो हुआ उसका फायदा होगा नुकसान होगा? निश्चित रूप से इसका फायदा होगा, जो इसको होगा बीजेपी को होगा फायदा होगा नुकसान होगा? सर फायदा होगा, अंत भला तो सब भला, अंत भला सब भला, फायदा होगा नुकसान होगा? नहीं, बीजेपी का नुकसान होगा, बीजेपी का नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा ही होगा, बीजेपी फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कुल वोट वहाँ जो हैं 15,61,000 हैं, और 15,61,000 में 3.5 लाख मुसलमान हैं, 3 लाख ब्राह्मण हैं, और आपको 1.25 लाख भूमिहार हैं, और इस पूरे आंकड़े को सामने रख कर हमें कोई बात करनी चाहिए। देखिए मैंने जैसा शुरू में कहा कि बोगस वोटिंग हो रही है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है, तो इसलिए कि मोदी और मोदी के अगेंस्ट में जिस तरह से मोदी के जो सपोर्टर इकट्ठे हो रहे हैं, उसी तरह से मोदी के अगेंस्ट में भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आज वहाँ पे बच्चों का एग्जाम था जिससे बच्चों को से नाराज हो सकते हैं, बच्चे नाराज हो सकते हैं। फायदा होगा सर, बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि मुसलमान वोटर से ये लोग छिटकाना चाहते हैं, मुसलमान भी बहुत समझदार है, जो समझ रहा है वो जानता है कि इसीलिए रोका गया है इनको कि अगर ये हमारे पास एक भाषण नहीं दे सकते मोदी उनके लिए। फायदा होगा नुकसान होगा बीजेपी को इस पूरे ड्रामेबाजी से?
फायदा होना होता तो ये तथाकथित लोकतांत्रिक धरना 10 मिनट में खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता अगर फायदा नहीं होता तो। अब कुल मिलाकर के जो बात जो बनारस की है, पहली बात रिटर्निंग ऑफिसर से गलती हुई, वो गलती इसलिए हुई कि आपने जो परमिशन दिया एक दिन पहले परमिशन नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात कि अचानक से ये जो खान साहब एक उत्पन्न हो गए, आपने एक दिन 1 बजे 1:30 बजे रात तक बीजेपी के लोगों को अपने घर में बिठा के रखा कि भाई कल इसको जो है परमिशन दे देंगे, अगले दिन सवेरे फिर आपने बुलाने के लिए कह दिया। रात के अंधेरे में ऐसा क्या हो गया कि एक नया आदमी क्रॉप अप हो जाता है कि जो झंडा फहराने के लिए जो है आपने अनुमति दे दी। कौन सा एनजीओ है पता नहीं, कौन खान है पता नहीं, कौन व्यक्ति है पता नहीं, किस लिए झंडा फहराना चाहता है यह भी पता नहीं, लेकिन आपने इस चुनाव के गहमा गहमी में जब हर पॉलिटिकल पार्टी उस वेन्यू के ऊपर कार्यक्रम करना चाहेगी आपने किसी एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए जो है आपने यस कर दिया, ये पहला मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक, आपने जो इंटेलेक्चुअल जो 150 आने वाले थे उसको रोका, ये भी नहीं करना चाहिए था। और तीसरी बात, सिक्योरिटी का आपने बहाना बना करके आपने आरती में जाने से रोका, परमिशन नहीं दिया, ये भी आपसे गलती हुई। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के लिए बराबर डिमांड कर रही थी कि आप परमिशन दें, आपने परमिशन नहीं दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की क्योंकि उनको तब तक ये समझ में आ गया कि इस मुद्दे के ऊपर जो है खेला जा सकता है। ये वैसा ही है कि 2020 के मैच में लास्ट ओवर में अगर आप फुल टॉस बॉल दोगे तो सामने वाला जो है छक्का मारेगा ही। आपने बैठे बिठाए जो है एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दे दिया जिससे वो 2-3 काम कर सकते थे। एक, अगर सिर्फ आज रैली होती या दर्शन होता या इंटेलेक्चुअल्स आते तो वो दिन भर मीडिया में नहीं छाए रहते। आपने इस तरह का माहौल उसमें बना दिया, उन्होंने उस चीज़ को जो है कैपिटलाइज लिया। राजनीति है, कोई समाज सेवा करने के लिए कोई नहीं है। ये काम अरविंद केजरीवाल के साथ होता तो भी यही काम करते। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे को परमिशन का नहीं मिला था रामलीला मैदान में आंदोलन करने का, उन्होंने कैसे क्या कर दिया, जेल तक चले गए। वो भी एक ड्रामा था क्योंकि वो कैलकुलेटेड मूव था, ऐसा नहीं कि भाई उसमें कुछ बहुत सारा चीज़। तो आपने उन्हें मौका दिया, अब जब मौका मिल गया है तो भारतीय जनता पार्टी उस मौके को घुमा रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती वो घुमाती, जवाब इसी को देना चाहिए। दूसरी बात, जो संदेह जिस पे लोगों को कि भाई क्या रिटर्निंग ऑफिसर यादव साहब अपने मन से ये काम कर रहे हैं, अगर अपने मन से ये काम कर रहे हैं तो ये आदमी इनकॉम्पिटेंट है, इसको हटना चाहिए। ये कोई हाई पावर्ड चुनाव को जो है कराने में असक्षम है। और अगर पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे कर रहे हैं, कांग्रेस के इशारे पे या समाजवादी पार्टी के इशारे पे, जैसे ही कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि वो मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़े हैं, वो कन्फर्म है पता नहीं, सोशल मीडिया पे चल रहा है। अगर ऐसी कोई बात है कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ साठगांठ करके अगर आप ये कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, जिसका जवाब जो है 16 तारीख को बनारस की जनता जो है वो दे देगी। और रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल साहब आज सचमुच बहुत भन्नाए हुए होंगे, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है मीडिया में जो स्पेस, क्योंकि आम आदमी पार्टी मीडिया पार्टी है, बनारस में ना इनके पास जनसमर्थन है, ना कार्यकर्ता है वहाँ के लोकल, ना ही संगठन है, कुछ नहीं है। वो जो है वो मीडिया के जरिए ही, और कुछ जो समाजसेवी संगठन और बहुत सारी दूसरी पार्टियों के वामपंथी, कुछ हमारे मित्र जेएनयू के हैं जो वामपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी की टोपी लगा करके बनारस में कैंपेन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है देखने में कि लोग किस तरह से मोदी को हराने के लिए जो है विचारधारा की तिलांजलि देकर, वो विचारधारा को छोड़कर, अपनी पार्टी को छोड़कर, अपने आइडियोलॉजी को, मार्क्स लेनिन माओ को छोड़कर, वहाँ पे मोदी के खिलाफ जो है कैंपेन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के फेवर में। बनारस पे नज़र रखिए, हम भी नज़र रखे हुए हैं, कल फिर हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।